जो लोग मदीना जाना चाहते हैं मैं उनसे तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि मैं मदीना जाऊं ये मेरी औकात नहीं, मैं मदीना जाऊं मेरी औकात नहीं, अगर सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं। सागा पमारे हीरे कुछ मिसरे नजर कर रहा हूँ, और अजमेर कौन कौन गए हैं यहाँ पर जरा हाथ उठा ले। माशाल्लाह बहुत सारे लोग अजमेर गए, जो लोग अजमेर गए हैं, क्योंकि सरकार का रोजा भी बिल्कुल हु बहू क्योंकि कर्म है ये उनके मजदूर रह चुके हैं, सरकार बहुत बड़े वली गुजरे हैं। समय में वो गरीब नवाज का दीवाना आशिक रसूल जो अजमेर शरीफ गया फिरदौस अंकल, वो दुआ क्या कर रहा है मुलाजा करें। वो कहता है वो खुलदे परी अर्श का जीना भी दिखा दे, या मेरे मौला अजमेर दिखाया है मदीना भी दिखा दे, भाई आप लोग जो उधर बैठे हैं खड़े जो हैं एक मिनट मेरी बात सुने, जो लोग वहां पे खड़े हैं मेरी बात सुने आप जूं आप लोग, लेकिन किसी को दिक्कत ना हो क्योंकि यहाँ पर जितनी माँ बहने हैं जितने भाई हैं सभी अपने लोग हैं, क्योंकि जो सरकार का मानने वाला है सभी अपना होता है, तो बराए मेहरबानी आप लोग प्लीज ऐसा ना करें जिसे अगले को तकलीफ हो, प्लीज भाई क्योंकि मैं आपसे भी तवज्जो चाहूंगा जी, और मैं तमाम लोगों से आखिरी बंद पर मुलाजा करें, क्योंकि 6 साल से ऐसे तो मैं 2014 से यहां आया हूं, लेकिन 2 साल गैप भी हुआ था, तो 6 साल में क्योंकि ये मेरा छठी बार सरकार के यहां हाजिरी हो रही है, ये कर्म है सरकार का मौला का बहुत नवाजा चुना शान है। फिरदौस अंकल हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी रात बाकी है बात बाकी है, वो सब बातें बाद में हो जाएगी, आखिरी बार पेश करो मुलाजा करे क्यों। अपनों से मिलाया है दो घरों से मिला दे, और सरदार जी के चाहने वाले उनकी जाने से बहुत सारे लोग ऐसा नवाजा किस बात पर। मेरे मौला ख्वाजा से मिलाया है, ख्वाजा से मिलाया है, ख्वाजा से मिलाया है, बस मोहम्मद से मिला दे,
ख्वाजा से मिलाया है, चूना शाह से मिलाया है, चूना शाह से मिलाया है, आहा चूना शाह से मिलाया है, मोहम्मद से मिला Thank you.